नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट का पेपर है टैक्सोनॉमी यूनिट को पढ़ रहे हैं। वहां पर टैक्सोनॉमी यूनिट में अपन ने किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा, और किंगडम क्लासिफिकेशन में अब तक अपन ने 5 किंगडम में से 3 किंगडम को कंप्लीट कर लिया है। पीछे के 16 वीडियो के अंदर वो उपलब्ध हैं, आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। मोनेरा पढ़ लिया अपने, प्रोटिस्टा पढ़ लिया और फंजाई पढ़ लिया। चौथे नंबर पर जो किंगडम आता है वो आता है प्लांटी, प्लांट किंगडम। चौथे नंबर वाले किंगडम के अंतर्गत अपन 5 चीजों को पढ़ेंगे, उनका क्रम जो होगा वो होगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सभी के अपन जनरल करेक्टर पढ़ेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इनका थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखेंगे और फिर इनकी लाइफ साइकिल को देखेंगे। लाइफ साइकिल अपने को 6 पढ़नी है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फंजाई। इन 6 की अपने को क्या करनी है, लाइफ साइकिल पढ़नी है। जो लाइफ साइकिल वाला सारा टॉपिक है वो सबसे लास्ट में अपन ले लेंगे कंपैरेटिव करते हुए। अभी अपन आज शुरू करते हैं जो प्लांटी किंगडम है। किंगडम कौन सा हो जाएगा, प्लांटी किंगडम के तहत अपन पढ़ेंगे आज यहाँ पे क्या, एल्गी। देखिए, एल्गी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दूं कि अभी कल ही घोषणा हुई है कि 25 अप्रैल को रीट का पेपर होगा। आप में से जो भी वीडियो देखते हैं उनमें अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ स्टूडेंट का सूचना मिली, कुछ स्टूडेंट का फोन आया कि सर रीट के लिए भी कुछ किया जाए। तो ये वीडियो है वो तो कंटिन्यू रहेंगे, इनमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन रीट के साथ साथ में अपन कुछ क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू टाइप है, वो रोजाना डाल सकते हैं। उसके लिए केवल और केवल साइंस और मैथ का जो पोर्शन है रीट लेवल सेकंड, लेवल सेकंड में भी जो 60 क्वेश्चन आने हैं 30 साइंस के आएंगे, विज्ञान के आएंगे और 30 आएंगे गणित मैथ के आएंगे। तो साइंस और मैथ वाले क्वेश्चनों में है वो अपन क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक मॉडल पेपर टाइप में कुछ क्वेश्चन रोज के डाले जा सकते हैं, 25-30 क्वेश्चन हैंड रिटन जो बुक से बना के, और उनको डाला जा सकता है। वो क्वेश्चन कहां से होंगे, क्योंकि रीट के अंदर जो सेकंड लेवल है उसमें साइंस और मैथ को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी दोनों बुक्स को आप अच्छी तरह घोल के पी जाएं। तो उनको आपने अब तक पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे। अब उनमें से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसा चैप्टर वाइज लेते हुए, तो 6वीं क्लास के बना दिए, फिर 7वीं का, फिर 8वीं का, फिर 9वीं का, 10वीं का, विज्ञान हो गई, फिर गणित हो गई, ऐसे करके रोज अपन क्या करेंगे मॉडल पेपर डालेंगे। अगर आपको वो मॉडल पेपर फायदा करेंगे या आपको लगता है कि फायदा कर सकते हैं ऐसा डालना चाहिए, मेरा तो फोकस यही है, लेकिन कुछ के फोन आए तो बता रहा हूँ। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो एक मैं नंबर दूंगा अभी वीडियो के अंत में, एक मोबाइल नंबर दूंगा, आप उन मोबाइल नंबर पर मेरे को टेक्स्ट मैसेज करके आपकी कोई और भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, और आपको कोई समस्या है तो वो बता सकते हैं। प्लस आपको ये भी बताना है कि वो मॉडल पेपर आपके लिए सहायक हो सकते हैं या नहीं है, या उनको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, आप केवल फर्स्ट ग्रेड में इंटरेस्टेड है। तो ऐसा करके जो भी आप मेरे को एक मोबाइल नंबर दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, आप उसको क्या करें मेरे को बताएं, जिससे वो आगे अपन मॉडल पेपर भी डाल सकें। अभी अपन शुरू करते हैं एल्गी, प्लांटी किंगडम के तहत सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस बढ़ते हुए क्रम में अपन पढ़ेंगे। एल्गी के बारे में अपन ने देखा है कि एल्गी पहले भी 2 जगह और आ चुका है। एल्गी एक जगह आया था सबसे पहले मोनेरा के अंदर, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, वो भी यहां पर आया था। दूसरे नंबर प्रोटिस्टा में आया था सुनहरे एल्गी, डेस्मिड, वो भी वहां पर आ गया था प्रोटिस्टा के अंदर। और तीसरे एल्गी हैं वो यहां पर आएंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म है ये पहले, ठीक है, यहां पर अपन पढ़ेंगे। अब एक बात तो अपन यही बोल सकते हैं कि कैसे हो जाएंगे यूकैरियोटिक, इतनी बातें तो आपको पता ही होंगी। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, मल्टी सेलुलर, ठीक है। एल्गी जो शब्द है
एल्गी वर्ड है वो 1753 में किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया लीनियस के द्वारा, और इसका मीनिंग उस समय रखा था समुद्री खरपतवार। ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो है, ऑटोट्रॉपिक जो जितने भी हैं उनमें मैक्सिमम अगर किसी का रोल होता है तो वो एल्गी का होता है। ये वही कैरोलस लीनियस है जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आया था, मॉडर्न टैक्सोनॉमी फादर थे। ये वही कैरोलस लीनियस है जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फाइनल किया था। शुरुआत पाइलेक्स बुक के अंदर बता दी थी बोहिन ने, लेकिन उसको फाइनल जुमला बनाया था किसने, लीनियस ने। तो यहां पर यह बात आ गई कि इसका रोल पहले भी आ चुका है। अब देखिए एल्गी का अध्ययन है वो कहलाता है क्या, पता ही होगा आपको, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी, या फिर इसको एक शब्द और बोला जा सकता है वो है फाइकोलॉजी, है ना, फाइकोलॉजी आप इसको बोल सकते हैं एल्गो के साथ साथ में। एल्गी के लिए कई और भी कॉमन शब्द उपलब्ध हैं, कई और भी शब्द इसके लिए बोले जाते हैं। जैसे सामान्यतः अपन क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, काई आ गई, है ना, पानी के ऊपर, या फिर जहां पर नल होता है नल के पास में ग्रीन ग्रीन कलर की देखते हो ग्रीनरी, वो काई है। काई के साथ साथ में इसको कांजी भी बोला जाता है कई जगह, काई है, कांजी है, या फिर जैसे मान लो पोंड स्कम भी बोलते हैं इसको, और क्या नाम हो सकते हैं इसके, और नाम हो सकते हैं वाटर मोसेस भी बोल सकते हो इसको, और नाम इसको बोल सकते हो फ्रॉग स्पाइटल, ऐसे इसके क्या हो सकते हैं, ये कॉमन नाम हो सकते हैं। काई कांजी आपने सुना होगा, पोंड स्कम, स्कम का मतलब, और स्पाइटल का मतलब ऐसे होता है, स्पाइटल का मतलब होता है थूक, तो एक मतलब फोम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी कोई विशेष आकृति नहीं होती एल्गी की, तो ऐसी कोई फोम लाइक स्ट्रक्चर जो अपने को पानी के ऊपर नजर आ रही है उसको फ्रॉग स्पाइटल, जो मेंढक है उसका थूक, थूक जैसे फोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। पोंड के अंदर भी एक स्कम, इसका मतलब बबल जैसी, एक फोम के जैसी स्ट्रक्चर बन गई, उसके अपन ने क्या बोल दिया एल्गी। ये इसके कॉमन कुछ नाम हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एल्गोलॉजी इसका अध्ययन हो गया, तो अगला क्वेश्चन जो बनता है वो आता है फादर ऑफ एल्गोलॉजी, इतना ही होगा इसको, देखना देख लेना आप, फादर ऑफ एल्गोलॉजी वो हो जाएगा कौन, वो हो जाएगा फ्रिश। ये इंपॉर्टेंट है बात, फादर ऑफ एल्गोलॉजी फ्रिश है, और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी वो है एम ओ पी कौन, अय्यंगर। याद कैसे करोगे, एल्गी, एल्गी, घी, घी सा शब्द आ रहा है ना, तो घी अगर कहीं लगाया जाए हाथों में, घी लग जाए सर्दियों में भी, और फिर धोते हो आप हाथ खाना खाने के बाद में, तो हाथ बड़े फ्री से हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो फ्री फ्री याद रखना, घी से क्या हो गए, फ्री हो गए, घी से क्या हो गए, फ्री हो गए। और घी अगर खाएंगे इंडियंस लोग तो वैसे घी से खाने से क्या होते हैं, यंग से रहते, यंगर से रहते, तो घी फ्री यंगर। एल्गी होती है, एल्गी की जो बॉडी है, बॉडी में एक जैसे स्ट्रक्चर होती है जैसे थैलस, या बोल सकते हैं अपन कि थैलोइड बॉडी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि थैलोइड बॉडी का मीनिंग हो गया कि आप एल्गी को रूट, स्टेम, लीव्स इनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सीधी सीधी स्ट्रक्चर होती है, थैलस के जैसी स्ट्रक्चर होती है, थैले के जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप उसमें परिवर्तन मतलब चेंज जो है वो देख नहीं सकते, आप उसमें अलग अलग चीजों को डिनोट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, थैलस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, थैलोइड बॉडी होती है, एक नंबर बात। अब अगर थैलोइड बॉडी होगी तो इसके अंदर टिश्यू का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड जो वेस्कुलर सिस्टम है वो यहां पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जाइलम,
फ्लोएम ये सब होंगे क्या, एब्सेंट होंगे और टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा। टिश्यू डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल्स हैं बहुत सारी, क्लंप ही नहीं हो पाती एक साथ, अगर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, सारे के सारे सेल हैं वो एक तरीके से जुड़ी ही रहती हैं, एक फोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रकार की बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलर्ड बॉडी बोला जाता है। आगे देखिए एल्गी होती हैं वो मैक्सिमम कैसी होती हैं, एक्वेटिक होती हैं, जहां पर नमी होगी, एक्वेटिक जहां पर नमी होगी, जल की मात्रा होगी वहां पर पाई जाती हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपको एक उदाहरण दिया जाए और वो उदाहरण हो जाएगा आपके प्रोटोकोकस। प्रोटोकोकस ऐसी एक एल्गी है जो कि कहां मिल जाएगी आपको, पेड़ों के ऊपर, जो बड़े पेड़ हैं उसकी छाल के ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन, या रॉक चट्टानों के ऊपर भी ये थोड़ी ग्रीनरी ग्रीनरी के रूप में मिल जाती है। इसको एक्वेटिक कंडीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रोटोकोकस, ये एक स्पेशल बात याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, जो आपके एल्गी है, एल्गी के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पॉइंट। एल्गी की सेल वॉल है वो मुख्यतया किसकी, सेलुलोज प्लस पेक्टीन की बनी होती है, सेलुलोज प्लस किसकी, पेक्टीन की। कुछ अपवाद है, वहां से क्वेश्चन आता है क्या अपवाद है, पहले नंबर पर कौन, ब्राउन एल्गी, और दूसरा पॉइंट याद रखना आपको रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो एल्जीनिक एसिड, और दूसरा बोला जाए तो फ्यूकोइडन, ये दो अतिरिक्त पाए जाते हैं, और यहां पर पॉलीएस्टर सल्फेट, ठीक है। पॉलीएस्टर सल्फेट है वो किस में, रेड एल्गी में। ब्राउन एल्गी में क्या, एल्जिनिक एसिड और फ्यूकोइडन जो है एसिड या फ्यूकोइडन पदार्थ एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, किसके अलावा, सेलुलोज और पेक्टिन के अलावा। ये तो कॉमन बात हो गई, क्वेश्चन क्या से पूछेगा कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है सेल वॉल में, और रेड एल्गी की सेल वॉल में क्या एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, इनको एक्स्ट्रा लगा लेना नोट, एल्जिनिक एसिड फ्यूकोइडन और पॉलीएस्टर सल्फेट। एल्गी के अंदर गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। दो प्रकार की स्टेज होती है, एक होता है गैमेटोफाइटिक स्टेज, एक होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज से गैमेट बनते हैं, अगुणित अवस्था होती है, जबकि स्पोरोफाइटिक स्टेज है उससे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। जैसे मान लो ये हैप्लॉइड स्टेज है, क्या होगी, गैमेट हो गए, गैमेट बन गए, उसके बाद में दोनों जुड़े, जुड़ने के बाद जायगोट बना, स्पोर बन गए, ये कंडीशन क्या हो गई, ये क्या हो गई, स्पोरोफाइटिक, ये क्या हो गई, गैमेटोफाइटिक। तो इसके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, मतलब इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये ऐसा कह सकते हो कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, परंतु ये पीढ़ी एकांतरण कैसा होता है, अस्पष्ट होता है। स्पष्ट इसलिए होता है कि मैक्सिमम अवस्था में, मैक्सिमम जीवन के लाइफ साइकिल के स्टेज में मैक्सिमम कौन सी स्थिति होती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, कुछ ही समय के लिए क्या होती है, स्पोरोफाइटिक। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो स्पोरोफाइटिक स्टेज पर क्या होती है, डोमिनेंट होती है, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगर इसमें क्लोरोफिल की बात करें तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, आपके कैरोटीन की बात करें तो यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, गामा है, या फिर है जेंथोफिल, ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग एल्गी में अलग अलग हो सकते हैं, ये सभी के सभी क्या प्रेजेंट हैं, वर्णक प्रेजेंट है, पिगमेंट पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे ये मिलेंगे प्लास्टिड के अंदर,
प्लास्टिड एक जो क्या है सेल ऑर्गेनल है, लवक है, जिसके अंदर ये सारे के सारे वर्णक आते हैं। इसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान ये ऑटोट्रॉफिक प्रकृति होने के कारण से क्या कर लेती हैं, खुद का फूड बना लेती हैं। अब फूड बना लिया और फूड जब एक्सेस अमाउंट में बन गया तो उसको क्या करेंगी, ये एक्स्ट्रा फूड को क्या करेंगी, स्टोर करेंगी। और वो जो स्टोर फूड होगा, संचित जो भोजन होगा, वो ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, स्टार्च होता है। ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, स्टार्च होता है। कुछ अपवाद जैसे मान लो बात करें अपन फियोफाइसी, ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करें रोडोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी है उसके अंदर जैसे मान लो स्टार्च तो मैक्सिमम में होता ही है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में कुछ जो संचित भोज्य पदार्थ है वो अलग भी प्रकार के हैं। और वो अलग प्रकार के कौन से हैं, फियोफाइसी के अंदर होगा लेमिनेरिन तथा मेनिटोल, ठीक है, लेमिनेरिन और मेनिटोल दो यहां पर हो जाएंगे। और जो रोडोफाइसी है उसके अंदर होगा फ्लोरिडियन स्टार्च, इसको याद रखना, फियोफाइसी लेमिनेरिन और मेनिटोल, रट लेना इसको। और फियो रोडोफाइसी है उससे तो रेड का कलर का पता चल रहा है, लाल है ना, तो उसके अंदर आपको यहां भी रेड रेड आ रहा है ना, लाल फूल है, याद रखना ना, फ्लोर फ्लोर लाल, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये अभी अपन ने फियोफाइसी और रोडोफाइसी का ही अपन ने देखा था सेल वॉल में अंतर, अभी जस्ट अभी अपन ने देखा था सेल वॉल की, सेल वॉल है वो फियोफाइसी, याद करो दोबारा याद करो, फियोफाइसी की सेल वॉल में एक्स्ट्रा क्या था, एक्स्ट्रा क्या था, एल्जिनिक और फ्यूकोइडन। और जो रोडोफाइसी है लाल सेवाल है उसकी जो सेल वॉल है उसमें एक्स्ट्रा क्या था, उसके अंदर था पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट थी। अब देखो ये जो संचित पदार्थ है, ये जो भोजन स्टोर किया है ना, ये संचित पदार्थ है वो आपके एक जो सेल है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है और स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरिनोइड्स। बहुत क्वेश्चन बना है यहां पर, स्ट्रक्चर का नाम है पायरिनोइड्स। इस पायरिनोइड के अंदर ये जो स्टोर्ड फूड है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है। एक्स्ट्रा जो फूड है वो क्या कहां रहता है, पायरिनोइड के अंदर स्टोर रहता है। लेकिन एक अजीब बात है, क्या जेंथोफाइसी है, जेंथोफाइसी के अंदर पायरिनोइड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, जेंथोफाइसी में पायरिनोइड एब्सेंट होते हैं। अब देखो तीन क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन गए यहां पर, आपको ये याद रखना है कि ब्राउन एल्गी फियोफाइसी की सेल वॉल में क्या एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, आपको ये याद रखना है कि रेड एल्गी की सेल वॉल में एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होता है, आपको ये याद रखना है कि ब्राउन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड वो क्या है, आपको ये याद रखना है कि रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या है, और आपको ये भी याद रखना है कि पायरिनोइड कौन सी क्लास के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब आगे देखिए, फूड बनाने के लिए जो प्लास्टिड है उसमें पिगमेंट पाए जाएंगे, वो पिगमेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन, फाइको इरिथ्रीन, फाइकोबीन, फाइको फाइकोसाइनिन, फाइको इरिथ्रीन, फाइकोबीन, ऐसे ही और हो सकता है आपके फाइको जैनथीन, ये सारे के सारे क्या हैं, पिगमेंट्स हैं जो कि इनके द्वारा, इसके द्वारा, इन क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है, एल्गी अपना फूड बनाता है ऑटोट्रॉफिक प्रकृति होने के कारण। आगे देखिए, एल्गी के अंदर फ्लेजिला पाए जाते हैं, फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर फ्लेजिला एब्सेंट होते हैं और वो है रोडोफाइसी। इंपोर्टेंट बन गई ये बात भी, रोडोफाइसी में फ्लेजिला भी एब्सेंट है, रोडोफाइसी का फूड स्टोरेज भी अलग है, और रोडोफाइसी की सेल वॉल में भी एक्स्ट्रा चीजें पाई जाती हैं। सेल वॉल में एक्स्ट्रा चीजें तो फियोफाइसी में पाई जाती हैं,
और स्टोर फूर्दों फियोफाइसी का भी अलग है, ये आपको याद रखना है। रोडोफाइसी फ्लेजिला मतलब रोड है, रोड पर क्या काम फ्लेजिला का, रोड पर फ्लेजिला आवश्यक नहीं, एकदम सपाट रोड होनी चाहिए तो बढ़िया साधन चलेंगे। तो रोड के ऊपर फ्लेजिला क्या है, एबसेंट है, बाकी सब में फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, इसमें एबसेंट है ना, इसमें एबसेंट हो गए, बाकी सभी में, बाकी में सब में क्या है, फ्लेजिला क्या होंगे, पाए जाएंगे, ये वाली बात हो गई। आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है, अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है एल्गी के अंदर तीनों प्रकार का होगा, वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। ये अधिकतम आपके प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर बनता है, सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है आपको सबको पता ही है, कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो गया, जैसे क्या हो गया फ्यूजन हो गया, जैसे क्या हो गया बडिंग हो गया, जैसे एक स्टेक से बनती है आपके, क्या बोल सकते हैं इसको, ट्यूबर्स हो गए, जैसे ट्यूबर्स के द्वारा एक होर्मोगोन स्ट्रक्चर होती है, होर्मोगोन्स के द्वारा, ये सारे क्या साधन हैं जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल आप सबको पता ही है, जैसे जू स्पोर्स हो सकते हैं आपके, एप्लेनोस्पोर्स हो सकते हैं, एक कुछ कंडीशन में आपके ऑक्जोस्पोर भी बनते हैं, ऑक्जोस्पोर्स भी हो सकते हैं, कई कई बार एकाइनेट्स, एकाइनेट्स स्ट्रक्चर भी बनती हैं, एक कुछ पालमेला स्टेज भी होती हैं। ये अलग अलग प्रकार के साधन हैं, लिख लेना इन सबको, ये साधन है जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहां पर जो है तीन प्रकार की स्थिति बनती है ना, एक तो होता है आइसोगेमस, पहले डिस्कस कर चुके हैं आप पुराने वीडियो में देख लेना, दूसरा होगा एन आइसोगेमस और एक होता है उगेमस, मतलब मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, उनमें किस प्रकार से स्ट्रक्चर में समानता है, डिफरेंट है, उसके आधार पर तीन प्रकार के गैमेट हो गए, आइसोगेमस है, एन आइसोगेमस है, उगेमस है, ये तीन प्रकार की स्थिति यहां पर बन गई। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो दो चीजें बनेंगी, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, एक को बोल सकते हैं एंथ्रिडियम और एक को बोल सकते हैं उगोनियम। एंथ्रिडियम बना, उगोनियम बना, एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब एंथ्रिडियम और उगोनियम होते हैं तो उनके ऊपर, एंथ्रिडियम और उगोनियम के ऊपर एक आवरण होता है कई की बार, और उस आवरण का नाम होता है क्या, उस आवरण का नाम होता है स्टेराइल जैकेट, और वो आवरण एल्गी के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब जो एंथ्रिडियम और उगोनियम है उसके ऊपर स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता, ये एल्गी का लक्षण है, ब्रायोफाइटा में मिलेगा ये, ठीक है, इसके अंदर अंदर क्या क्या एब्सेंट है, स्टेराइल, इन दोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होता, स्टेराइल जैकेट क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती। प्लस इन दोनों से फिर क्या होगा, एंथ्रिडियम और उगोनियम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे जाइगोट, लेकिन जाइगोट से वापस सेल डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब क्या है, यहां पर एम्ब्रियो भी नहीं बनता, एम्ब्रियो नॉट फॉर्म्ड इन एल्गी, ये याद रखना, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। कितनी बातें बता दी मैंने मोटा मोटी, यहां पर स्टेराइल जैकेट एब्सेंट होती है और एम्ब्रियो भी नहीं बनता, दो बातें यहां पर हैं, फ्लेजिला एब्सेंट किसमें है, रोडोफाइसी में, इस पूरे जो है बोर्ड अभी अभी के स्टेज पे आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि फ्लेजिला रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है और स्टेराइल जैकेट एल्गी में बनता नहीं है और एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता, इतनी सारी बातें आपको मैंने बता दी। अब आगे लग चलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, एल्गी को कोई विशेष नहीं है इसलिए मैंने पहले से लिख दिया, अब आप उसको नोट कर लेना। एल्गी को क्लासिफाई कई वैज्ञानिकों ने किया, मुख्यतः दो का पढ़ते हैं, फ्रिश का, फर्स्ट
फादर ऑफ एल्कोलॉजी, जिन्होंने 11 क्लास में डिवाइड किया, और स्मिथ है इसने 7 डिवीजन में डिवाइड किया। फ्रिश वाला पढ़ते हैं, इसकी बुक का नाम है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इसके अंदर इसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। अब देखिए यहां पर ये जो 11 क्लास है, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलिडोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरो मोनिडिनी, यूग्लिनिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। इसमें ज्यादा याद नहीं रखना आपको, कॉमन कॉमन बातें याद रखनी है। देखो इनमें जो है, क्लोरोफिल की बात करें तो ए तो सबके अंदर मिलेगा, क्लोरोफिल ए है जो फूड बनाने के लिए, वो क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा। कुछ कॉमन बातें याद रखनी है आपको। एक तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक याद रखना गब्बर, जी बी आर, और यहां नीचे लिख लेना इसके बी सी डी, क्योंकि ए है वो तो सब में पाया जाएगा, लेकिन जो ग्रीन एल्गी होगी, क्लोरोफाइसी होगी, उसमें बी एक्स्ट्रा मिलेगा, क्लोरोफिल ए और ज्यादातर क्लोरोफिल बी मिलेगा यहां पर, तो बी हो गया। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का मतलब क्या हो गया, फियोफाइसी, इसके अंदर क्या मिलेगा, अधिकतर सी मिलेगा, और रेड है रोडोफाइसी, इसके अंदर क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो गब्बर से याद रखना बी सी डी, ऐसे क्रम से याद रखना गब्बर। जी का मतलब यहां पर बी है, बी का मतलब यहां पर सी है, और आर का मतलब यहां पर रोडोफाइसी में डी होगा, जो आपको है ब्राउन एल्गी है उसके अंदर ही हो गया, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ऐसे याद रखना आप इसको। अब देखो जेंथोफाइसी है, जेंथोफाइसी का मतलब होता है, बाकी तो याद रह जाएंगे आपको, पीला हरा, पीले हरे जो है उसके अंदर ये हो गया। इसके अंदर एक अलग और याद रखना आपको, वो ई, जेंथो ई और याद रखना यहां पर, जेंथोफाइसी में क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। आगे देखो क्राइसोफाइसी है, क्राइसोफाइसी के अंदर एक बात और याद रखनी है, और वो है यहां पर ए के साथ में पाया जाता है फाइकोक्राइसीन, ऐसे याद होंगी, और कोई तरीका नहीं याद करने का। फाइकोक्राइसीन ए तो है ही है, ए तो सबके साथ जोड़ लेना, क्लोरोफिल ए के बिना तो फूड नहीं बनेगा, तो क्लोरोफिल ए है प्लस फाइकोक्राइसीन, इसमें क्लोरोफिल ए के साथ में ई है, और गब्बर में बी सी और डी। ये 10 से 11 जो है, इनमें 11 में जो लास्ट वाला है मिक्सोफाइसी, ये मिक्सोफाइसी वही है, कौन सा, साइनोबैक्टीरिया वाला, नील हरित शैवाल वाला, जिसको अभी अपन किस में इंक्लूड करते हैं, मोनेरा में पढ़ते हैं, उस समय क्लास सिक्सन में आया था 11 में, पर ये क्या हो गया यहाँ पर मोनेरा के अंदर इसको पढ़ा जाता है, ये इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मुख्यतया इसको अपन पढ़ेंगे। एक एल्गी है, एक नाम आपने सुना होगा, और वो एल्गी है सिफेलुरेंस, और नाम आएगा वायरस सेंस, ये एल्गी है, वो पैरासाइट एल्गी है, अलग से लिख लेना इसको, पैरासाइट एल्गी है, और कहां रोग करती है, ये रोग फैलाती है रेड रस्ट डिजीज इन टी, कॉफी भी कर सकते हो, रेड रस्ट डिजीज इन टी एंड कॉफी, इसमें ये क्या करती है, ये पैरासाइट एल्गी है। आपको याद रखना है फियोफाइसी के अंदर कैसी सेल वॉल थी, आपको याद रखना है फियोफाइसी का स्टोरेज क्या था, फूड, आपको याद रखना है रोडोफाइसी, उसमें स्टोरेज क्या था, रोडोफाइसी है, उसकी सेल वॉल में क्या एक्स्ट्रा थी, बात थी, आपको ये याद रखना है कि रोडोफाइसी में फ्लेजिला प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, आपको ये याद रखना है कि इसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें क्या क्या किस किस प्रकार से हो सकते हैं, एम्ब्रियो इसमें नहीं बनता है ये याद रखना है, स्टेराइल जैकेट इसके अंदर नहीं पाई जाती है ये आपको याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है इसके क्लासिफिकेशन में किस किस के अंदर गब्बर और बीसीआर, आपको बीसीडी, गब्बर और बीसीडी आपको याद रख लेना, ई के लिए आपको याद रख लेना है जेंथोफाइसी। टाइम हो सकता है लग जाए अपने को वीडियो बनाने में, एक दो दिन छोड़ के भी आ जाए, लेकिन वीडियो बड़ा सॉलिड आएगा, आप उसको मजेदार तरीके से देखिए, साथ साथ में नोट करते रहिए, बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया जाता है, इतने सारे डाटा याद नहीं रहते, इनको याद करके आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, कुछ कोई कमी कहीं नजर आए तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, सर ये कमी नजर आ रही है, जिससे आगे उसको सुधार किया जा सके, बाकी आपको फुल प्रूफ के साथ में अच्छा डाटा मिलेगा, अच्छा मटेरियल मिलेगा, आप इसको नोट करते जाइए। और रीड से संबंधित अगर आपकी क्वेरी है, आप चाहते हैं कि वहाँ के कुछ मॉडल पेपर आए, तो मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल देता हूँ, इस पे मैसेज करें, double 9 50 99 50 95 51 9531 51।
इस पर आप मेरे को मैसेज करके ये बताएं कि सर रीट वाले मॉडल पेपर आप डाल सकते हो जिससे हम उनको कंटिन्यू देख पाएं। एक दो दिन से करीबन करीबन एग्जाम तक 100 मॉडल पेपर हो जाएं तो आप इसको इजीली हैं वो यहाँ पर आपके पास में, एक मॉडल पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन होंगे तो आपके पास में 2,500 क्वेश्चनों का साइंस और मैथ का कलेक्शन हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है करीबन करीबन मेरे पास 100 बंदे अगर यस कर देंगे तो मैं मंडे से उनको स्टार्ट कर दूंगा, बनाना शुरू कर दूंगा अगर मेरे पास में कुछ भी मैसेज आ गए तो, और मंडे से उनको डालना शुरू कर देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे अपन पढ़ेंगे एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। थैंक यू।